दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यश्यप नरुला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यश्यप नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के कामों को याव से करें, प्रेरित के काम 4:29 में लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बढ़े याव से सुनाए। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो प्रेरित थे उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात की ओर था कि वह वचन और उद्धार के बारे में लोगों को बता सके, और जब प्रेरितों का विरोध होता था तो उनकी प्रार्थना होती थी कि परमेश्वर उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन दबेरी और हियाव के साथ सुना सके और चंगा करने के लिए अपने हाथ बढ़ा। तब प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और चमत्कार होते थे और बहुत से लोगों को वह तेल मल कर चंगा करते थे। प्रेरितों का मुख्य मकसद था कि यीशु मसीह के जी उठने का वचन में लोगों को गवाही के रूप में दें और बहुत से लोग बड़ी संगति में आकर कलीसिया में मिलते थे। बाइबल कहती है कि उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि कलीसिया का ध्यान भी सुसमाचार की ओर था कि वह कैसे सुसमाचार के काम को आगे लेकर जाने के लिए मदद करें और साथ दें। इसलिए वे उस समय में बहुत आशीषित थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए एक व्यवस्था बना दी कि जब आप उस व्यवस्था के नीचे आए तो आप आशीषित हो सके। अगर एक कलीसिया यह दर्शन के साथ चले कि मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए अपना पूरा समर्पण देना है, तो जो आशीषें दूसरे लोगों के जीवन में देरी से आती हैं आप उसे महीनों और दिनों में लेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के दिल को समझ चुके हैं कि वह अपने लोगों को बताना चाहता है कि वह जी उठा है। जो कलीसिया इस काम और दर्शन में साथ होती है वह पहले चंगाई छुटकारा पाएगी और सभी आशीषें अपने आप उसके जीवन में आएंगी। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि जब उन्हें अपनी नौकरी से तनख्वाह मिलती है तो वह उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और यही सिलसिला उनका हर महीने चलता है, जबकि वह यह नहीं जानते हैं कि वह तनख्वाह उनके खाने पीने के लिए नहीं है, बल्कि वह आपका एक बीज है सुसमाचार को फैलाने के लिए। और जब उससे परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा जब रूहें बचती हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को गंभीर रीति से सुनता है और आपको छुड़ाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं बिना डरे आपके कामों को करूं और पवित्र टाइम में चल सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें ताकि मैं आपके सुसमाचार को हर जगह फैला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।